जनपद में 199 केंद्रों पर बोर्ड परीक्षा सकुशल संपन्न हो रहा है, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर में 199 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुआ है और सभी परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक व बाह्य केंद्र व्यवस्थापक की तैनाती की गई है। इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है और सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा संपन्न हुआ है, जिसके लिए सभी कमरों में 2-2 सीसीटीवी कैमरे व वॉइस रिकॉर्डर लगाए गए हैं, जिसका कंट्रोल रूम राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में बनाया गया है। उन्होंने कहा, कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग स्टेट लेवल पर की जा रही है, जिसको देखते हुए शांतिपूर्वक दोनों पालियों की परीक्षा संपन्न हो रहा है। वहीं इस संबंध में अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की हाई स्कूल की छात्राओं ने कहा कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जो हम लोगों ने पढ़ा था वही पेपर में भी आया था, जिसके लिए अच्छा पेपर बनाने के लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं और एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, अच्छा गया पेपर। किस तरह का क्वेश्चन आया था? जैसे मातृभूमि के बारे में आया था और चंद्रशेखर आजाद के जन्म के बारे में आया था और भी बहुत कुछ आया था। मेरा नाम खुशी गौतम है। एग्जाम था कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा हमारा एग्जाम, और पेपर इतना अच्छा आया था कि तुम कह नहीं सकते, बहुत अच्छा आया था। और क्या लग रहा है, पास हो जाओगे? हाँ लग रहा है, हम पास नहीं, हम बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। तमन्ना पास हुआ, अच्छा आया था। क्या लग रहा है, कितने नंबर आ जाएंगे? अब ऐसे तो नहीं बता सकते। पास हो जाएंगे? हाँ पास हो जाएंगे। कितने पढ़े हो, सारे आ गए? हाँ। क्या लग रहा है, कितना नंबर आ जाएगा? पासिंग मार्क्स आ जाएगा मेरे ख्याल से। आचल पटवा तरह के क्वेश्चन आए थे और कितने नंबर आ जाएंगे? अच्छा आया था, और जो हम लोग पढ़ा गया था वो सारा आया था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं हुआ और अच्छे से हुआ। और सरकार को थैंक यू, जो मतलब कोई क्वेश्चन कोई कठिन नहीं हुआ, जो हम लोग पढ़े थे वो आया था, सब सरल था, बहुत अच्छा था एग्जाम। गोरखपुर जनपद में कुल 199 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संचालित हो रही है और सभी केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक के अतिरिक्त एक बाह्य केंद्र व्यवस्थापक की तैनाती की गई है, तथा सभी केंद्रों पर जिला प्रशासन की तरफ से स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और सीसीटीवी की निगरानी में ये परीक्षा संचालित हो रही है। सभी कक्षों में 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षा कक्षों में वॉइस रिकॉर्डर की भी व्यवस्था की गई है और उनका कंट्रोल रूम जिला स्तर पर बनाया गया है, जहाँ से सभी विद्यालयों की और सभी कक्षों की निगरानी की जा रही, लगातार ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त ये सीसीटीवी कैमरे डायरेक्ट स्टेट लेवल पर स्थापित कंट्रोल रूम से भी गवर्न हो रहे हैं और वहाँ पर भी इसका लिंक शेयर हुआ है, और स्टेट लेवल पर जो कंट्रोल रूम स्थित है उससे भी किसी विद्यालय का निगरानी किया जा सकता है। तो परीक्षा सभी जगहों पर शांतिपूर्वक संचालित हो रही, कहीं से किसी प्रकार की कोई शिकायत या व्यवस्था की शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। सर कितने पालियों में हो रही है परीक्षा? 2 पालियों में संचालित हो रही है, और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की, और अभी सुबह हिंदी विषय की हाई स्कूल की परीक्षा है और शाम को इंटरमीडिएट की हिंदी की परीक्षा आज होनी है।